दोस्तों आज एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, आंखों की ऐसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा होती है और हर किसी को पता नहीं होता है, समझेंगे क्रोनिक डेक्रायोसाइटिस। ठीक है, डेक्रायोसाइटिस ये एक बहुत ही एक बड़ा नाम है, इंग्लिश नेम है। आपने अक्सर इस तरह के मरीज देखे होंगे, ऐसा लगता है कि इसको ततैया ने काट लिया, इसको किसी कीड़े ने काट लिया, आँख फूल गई है। तो ये बीमारी क्यों होती है, कैसे इलाज करना, सब कुछ जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो जब क्रोनिक डेक्रायोसाइटिस है तो एक्यूट भी होगा, और एक्यूट है तो दोस्तों इसे समझना जरूरी है। आप क्रोनिक समझ जाओगे तो एक्यूट अपने आप समझ जाओगे, प्रॉब्लम एक ही है। ठीक है, तो इस तरह का मरीज आपने देखा, ततैया काट लिया, ऐसा नहीं है, ये एक जन्मजात बीमारी भी होती है, कई बार देखा जाता है, कॉन्जेनाइटल होता है। ठीक है, कुछ बच्चों में ये माँ के पेट से ही आता है, तो कॉन्जेनाइटल तो अपन कह सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में एक्वायर्ड भी होता है। और एक्वायर्ड मतलब कि बच्चा का पैदा हो गया, उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ हुआ कि उसको ये जो है डेक्रायोसाइटिस हो गया है। तो एक्वायर्ड मतलब कि जो बाहर से हो गया, तो ये दो तरह का एक्यूट और क्रॉनिक। होता क्या है, आँख को देखिए, आँख में स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इस तरह से, पुतली होती है, जो है पलकें होती हैं, सब होता है, पिपल्स वगैरह, आईलिट्स वगैरह सब होते हैं। तो साथ ही अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक नेजो लैक्राइमल और लैक्राइमल ग्लैंड्स और लैक्राइमल डक्ट होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जब जब आप रोते हैं, तो कोई व्यक्ति जब रोता है बहुत ज़्यादा बहुत देर तक, तो उसकी नाक में से भी पानी आने लगता है, आता है। वो इसलिए है कि हमारा शरीर इस तरह से बनाया गया है कि अगर ज़्यादा मात्रा में आंसू आएंगे तो वो कुछ आंसू कुछ पानी, जाहिर सी बात है आँख के अंदर पानी कहाँ से आता, कहीं ना कहीं से तो आता है वो शरीर में से। तो उस जो ग्लैंड से पानी निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, तो कई बार नाक से भी निकल जाता है, कई लोग रोते रोते नाक साफ करने लगते हैं। तो एक ये नेचुरल प्रक्रिया है, आपका आंसू निकलने की रास्ता को बोलते हैं लैक्राइमल डक्ट, आंसू निकालने की ग्लैंड को बोलते हैं क्या, लैक्राइमल ग्लैंड। और यही ग्लैंड आपकी नाक से जब कनेक्ट होती है तो उसे बोलते हैं नेजो लैक्राइमल ग्लैंड, सॉरी नेजो लैक्राइमल डक्ट। एक नली होती है, से जुड़ी होती है यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है कई बार इसी नेजो लैक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, रुकावट हो गई, इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह की इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो क्या होगा, ये बंद हो जाती है, ये बंद हो जाती है यहाँ से। तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो नाक के ज़रिए नहीं आ पाता है, और फिर वहीं पे सेक जो होता है उसका डेक्रायोसाइटिस में क्या होता है कि एक सेक बना होता है यहाँ पर, ठीक है ना, लैक्राइमल सेक बोल सकते हैं, तो वो भरने लगता है, वो कठोर हो जाता है, वो फूला फूला लगने लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा पूरा हिस्से में अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसे ही बोलेंगे क्रोनिक, क्योंकि ये हो चुका है बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय से है। तो क्रोनिक डेक्रायोसाइटिस, इसको याद रखना बस, अगर ऐसा मरीज दिख रहा है तो उसको हो सकती है क्रोनिक डेक्रायोसाइटिस, जरूर नहीं कि हर बार ततैया काट ले। ठीक है, ततैया काटने का इलाज बहुत सिंपल है, पैरासिटामोल खिलाओ और जो है सिट्रिजिन खिलाओ, सही हो जाता है आदमी। इसमें क्या किया जाए, देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। कई बार जब व्यक्ति को जो डेक्रायोसाइटिस होता है, तो क्या होता है कि उनको इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, और कई बार म्यूकोसल्स बन जाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे फोड़े तक बन जाते हैं, उस इतने इतने हिस्से में फोड़े तक बन जाते हैं, और जिनको ठीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक वो भी हो जाते हैं, लेकिन तकलीफ होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। बात करेंगे कैसे चेक करना है, तो देखो इसके क्लिनिकल फीचर्स ऐसे होते हैं कि पहले तो आपको माइल्ड इन्फ्लामेशन दिखेगी, आँख लाल लाल दिखेगी, सूजन दिखेगी, और इसको आप देख सकते हैं कि भाई ये इस केस, ये वाला केस लग रहा है क्रोनिक डेक्रायोसाइटिस लग रहा है। फिर चाहे तो आप उसका लैक्राइमल म्यूकोसल चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे फोड़े बन जाते हैं आसपास, उनको चेक कर सकते हैं। बात करें दोस्तों रिस्क फैक्टर की कि भाई क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को ठीक नहीं करोगे तो एक्सटर्नल फिस्टुला डेवलप हो सकता है। जाहिर सी बात है फिस्टुला तो आपका एनल एरिया में होता है, लेकिन कहीं पे भी कोई छेद होगा ना, तो वो फिस्टुला कहलाता है। तो ये जो डक्ट यहाँ से जा रही है आँख के पास से, उसमें अपनी स्किन के चमड़ी के बाहर की तरफ से छेद हो जाएगा, ठीक है, तो उसे फिस्टुला कह सकते हैं, तो सुराख बन जाएगा और ये बड़ी दिक्कत हो सकती है।
अब बात करें दोस्तों कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का रुकावट हो गई है और किसी भी तरह का इन्फेक्शन, मेनली स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और न्यूमोकोकस, इन तीन तरह का इन्फेक्शन जब होता है तो आदमी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इलाज की बात की जाए, एंटीबायोटिक चलेगा, एंटीबायोटिक्स तो चलेगा ही। DCR मतलब दोस्तों एक सर्जरी है, बहुत ज़्यादा की जाती है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या, डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी। ये की जाती है और इसमें जस्ट आपके इस यहाँ से जो ओपन डक्ट जा रही है उसमें बाहर से ओपनिंग बनाई जाती है, ठीक है ना, वो जस्ट एक एब्सेस बनाया जाता है, एक बोलते हैं कि एक ओपनिंग बनाई जाती है, ठीक है ना, तो वो काम हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों क्या, इसका ट्रीटमेंट तो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, कई तरह के एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड दवाइयाँ ये चलती हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं, कुछ एनाल्जेसिक दर्द की दवाइयाँ इनको दिया जाता है, पैरास्टामोल, डाइक्लोफेनिक या प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ये चलते हैं। एंटीबायोटिक में आपका सेफ्ट्रेक्सोन, सेफोडॉक्सिम और सेफेक्सिम ऑफ्लॉक्सिन का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा चलता है दोस्तों। एमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। तो इन सब काम करने के बाद आपको क्रॉनिक डेक्रायोसाइटिस में आराम मिल जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम थी, आपके किसी चाहने वाले को थी, तो डू सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, खुश रहो, स्वस्थ रहो।